हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ के ईवीएस के चैप्टर नंबर फोर को, जो कि है द स्टोरी ऑफ अमृता। और इस वीडियो में हम थ्री टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो है द विलेज इज प्रोटेक्टेड, और हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है वो है लेट्स डिस्कस, और हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है थर्ड टॉपिक लेट्स आंसर, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम लोग का जो पहला टॉपिक है द विलेज इज प्रोटेक्टेड, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, यानी कि जो विलेजर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ट्री से, ट्री के बारे में, वो देखकर जो राजा थे वो बहुत खुश हुए। राजा ने क्या ऑर्डर दिया, उन्होंने बोला then on no trees would be cut and no animals would harm in this in that area. राजा ने बोला आज से कोई भी ट्रीज नहीं कटेंगे और किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 इयर्स लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोईज कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज भी यानी कि 300 इयर्स बाद, 300 साल बाद जो लोग हैं इस एरिया के, यानी कि खिजटली विलेज के लोग, जिनको हम बिश्नोईज बोलते हैं, वो अभी भी क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। इवन थ्रू इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल रोम फियरलेसली विदाउट फियर। ये एक छोटा सा रेगिस्तान है, यानी कि जो खेजटली विलेज है ये रेगिस्तान के बीच में है, तब भी ये क्या है, हरा भरा है, और इस यहाँ पे जो है एनिमल्स ये बिना डरे रहते हैं। अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है लेट्स डिस्कस, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डज द ट्री फ्लावर, क्या ट्री में फ्लावर होते हैं। तो मैंने कौन सा ट्री चूज किया है, मैंने मैंगो ट्री चूज किया है। तो डज द ट्री फ्लावर, क्या ट्री में फ्लावर होते हैं। तो हाँ, मैंगो ट्री है फ्लावर, हाँ मैंगो ट्रीज में फ्लावर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या साल भर जो फ्लावर्स है वो मैंगो ट्री पे रहते हैं, ट्री पे रहते हैं। तो आंसर क्या है, नो द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, नहीं जो पेड़ है उस पे साल भर फ्लावर्स नहीं रहते मैंगो ट्री पे। थर्ड क्वेश्चन है इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, कौन से महीने में उनका जो पत्ता होता है मैंगो ट्री का वो झड़ जाता है। तो आंसर क्या है, द लीव्स ऑफ अ मैंगो ट्री फॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या होता है, उनका पत्ता झड़ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है डू फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, क्या ये ट्री है जो उस पे जो फ्रूट्स है वो ग्रो होते हैं। तो हाँ, जो मैंगो है वही तो एक फ्रूट है। तो आंसर क्या है, यस फ्रूट्स ग्रो ऑन मैंगो ट्री, हाँ मैंगो ट्री पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच मंथ डू दे ग्रो, कौन से महीने में वो ग्रो होते हैं जो फ्रूट्स मैंगो, तो वो कौन से महीने में ग्रो होते हैं। मैंगोज ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में जो मैंगोज हैं, जो आम हैं, वो जो है ग्रो हो जाते हैं ट्री पे। अब हम लोग का सिक्स्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हैव यू ईटन दिस फ्रूट, क्या आपने फ्रूट्स खाए हैं। यस आई हैव ईटन मैंगोज, हाँ मैंने आम खाए हैं। अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है लेट्स आंसर, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल हंट एनिमल्स, यानी कि जो लोग हैं वो एनिमल को क्यों हंट करते हैं, यानी कि एनिमल का क्यों शिकार करते हैं। आंसर क्या है, पीपल हंट एनिमल फॉर देयर स्किन मीट एंड बोन्स,
लोग इसलिए हंट करते हैं एनिमल्स का, क्यों? उनके स्किन के लिए और उनके मीट के लिए, और जो हड्डियां होती हैं उनके बोन्स उसके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, यानी कि जो हंट होते हैं उनके अगेंस्ट में कुछ रूल्स हैं। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, और जो लोग हंटिंग करेंगे यानी कि शिकार करेंगे एनिमल्स का, वो पनिश्ड होंगे यानी कि उन्हें सजा मिलेगी। व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? आपको क्यों लगता है कि ये पनिशमेंट है? आंसर क्या है? पनिशमेंट इज देयर सो दैट एक्सेसिव हंटिंग कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि पनिशमेंट इसलिए है क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा हंटिंग हो रहे हैं वो कम हो सके। एक्सेसिव मतलब ज्यादा से ज्यादा, और प्रिवेंटेड यानी कम होना, ठीक है? तो पनिशमेंट क्यों है? पनिशमेंट इसलिए है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो हंटिंग हो रहे हैं ये कम हो सके। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। इनफैक्ट ये जो हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है, द स्टोरी ऑफ अमृता, ये कंप्लीट होता है। बहुत छोटा चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।